नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन सिंह टेक्नीशियन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों में IoT क्रेन का रिमोट का कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और इसका साथ में इसको LT और CT और होस्ट का पारी पारी से इसको ऑपरेट करके आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। पहले तो ये IoT क्रेन का प्रोडक्टिव पैनल है, देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये उसका ओवरहेड क्रेन का ये रिमोट है, ये ठीक है। तो मैं इसका कनेक्शन करके आप लोगों को चलो दिखा रहा हूँ। ये कंडक्टर को ऑन करने के लिए हमको सर्वप्रथम कंडक्टर ऑन करेंगे, ठीक है। तो हम मेन सप्लाई देंगे 110 वोल्टेज का, ये फेस है, इस यहाँ से आउट करेगा रिमोट के लिए। इधर से नीचे से सप्लाई है, ऊपर से हम इसको रिमोट के लिए सप्लाई देंगे, ठीक है। और ये हमारा एक कंडक्टर के लिए आएगा रिमोट से, पुश करते हुए ही ये हमारा रिमोट के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम रिमोट में, ये देखिए रिमोट है ये, ठीक है। ये 100, ये इसमें फेस आएगा 110 वोल्टेज का, एक खाली फेस आएगा इसमें, खाली इसमें कॉमन नहीं रहेगा, खाली फेस से फेस रहेगा। ये प्लेट लगा हुआ रहता है पूरा, ये पट्टी, ठीक है। ये सब अभी एनो है, ये सब अभी जितना बटन है एनो है। पुश करिएगा तो ये NC होके आउट करेगा। तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ से हमारा मेन कॉन्टेक्टर के लिए आउट करेगा यहाँ से, ठीक है। हमारा मेन कॉन्टेक्टर को यहाँ से आउट करेगा, वहाँ जाके कॉन्टेक्टर के A2 में ये इन होगा, सॉरी A2 में नहीं, A1 में। कौन ये हमारे A1 में इसका NC पॉइंट से, ठीक है। इसको पुश करते ही हमारा ये इसको ऑन कर देगा कॉन्टेक्टर को, ठीक है। और ये हमारा मेन होस्ट का रिवर्स कॉन्टेक्टर का एक तार आएगा, और एक तार हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए आएगा, ठीक है। अब ये तार हमारा CT का है, ये CT का रिवर्स कॉन्टेक्टर का हो गया, और एक तार हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का, इस तरह से। अब ये बच गया जो हमारा LT का है, ये LT का रिवर्स कॉन्टेक्टर, ये देखिए रिवर्स कॉन्टेक्टर, और ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर, ठीक है। रिवर्स और फॉरवर्ड का दोनों का हो गया, LT का, CT का और मेन होस्ट का, तीनों का पैनल का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका रिमोट में चलेंगे, ठीक है। इसको मैं पैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो गया तीनों का, ठीक है। इसमें समझ गए होंगे, दो एक तार ऑन का है, ठीक है। अब एक ठो फिर रिटर्निंग आया, ये हमारी एक कॉन्टेक्ट में इनकॉन्ट करने के लिए। और छः तार है हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का है, तीनों का, तीन का छः, ठीक। ये हमारा रिमोट से देखिए यहाँ से आउट करेगा हमारा, ये पुश करते ही अप डाउन लिखाया है, ये हमारा मेन होस्ट का है। ये देखिए इधर से हम पुश करेंगे, ये हमारा आउट करेगा, ये हमारा ये रिवर्स में जाएगा, एक ठो फॉरवर्ड में जाएगा जो वहाँ मैं बताया, ठीक है। ये हमारा CT का है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट लिखाया है, ठीक है। ये हमारा आउट करेगा यहाँ से, रिवर्स कॉन्टेक्टर में जाएगा, एक ठो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में जाएगा, ठीक है।
इस तरह से देखिए ये हमारा LT का है, ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं इसको अच्छे से वो कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ चला के। ये देखिए ये हमारा मेन होस्ट का है, यहाँ से पुश करूँगा आउट करेगा, देखिए ऑन हो गया। और इसमें ये देखिए फॉरवर्ड का ये पुश करते ही ये ऑन हो जा रहा है, जब तक इसको पुश करते रहिए वो ऑन रहेगा, छोड़ दीजिएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए हमारा CT का है, ये आउट पुश करते ही हमारा यहाँ से आउट करने लगता है, ठीक है, कॉन्टेक्टर के लिए। इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये हमारा, और ये हमारा LT का है, LT का ये देखिए ऑन करते ही ये कॉन्टेक्टर लग गया, और फॉरवर्ड साइड भी देखिए ऑन करते ही हमारा ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारा ये रिमोट से ये कॉन्टेक्टर इस तरह से काम करता है। अब ये देखिए, अब चलो हम मेन को ऑन करेंगे, देखिए मेन कॉन्टेक्टर को इस तरह से हम मेन कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे। ये देखिए हमारे ये मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है, ऑन हो गया। इसमें सप्लाई चला गया, अब हर LT CT और होस्ट में तीनों में सप्लाई चला गया, अब यहाँ से हम चला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये रिमोट का कनेक्शन किया जाता है। देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिए, और हाँ हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए जय हिंद जय भारत।